नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे मारुति एस्टीम का कैबिन फ्यूज़ बॉक्स और कौन कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है वो भी मैं आपको इधर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं मैं इधर स्टेयरिंग के नीचे घुस गया हूँ और ये रहा मारुति एस्टीम का फ्यूज़ बॉक्स। तो इधर अब हम लोग देखते हैं कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है वो। और ये है फ्यूज़ बॉक्स का कवर। कुछ लोगों का ये फ्यूज़ बॉक्स का कवर जो है वो गुम हो जाता है, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है कौन कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है और बहुत ही कंफ्यूज होके आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कोई ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाके ये चेक करने के लिए। तो इधर मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा फ्यूज़ किसके लिए है वो। तो इधर मैंने बॉक्स एग्जैक्टली जैसे फ्यूज़ है ऐसे पकड़ा हुआ है। तो ये पहला 20 एम्प्स फ्यूज़ जो है वो हीटर का है, ये वाला। बाद में दूसरा 20 एम्प्स का फ्यूज़ है वो है इग्निशन का, ये वाला। बाद में तीसरा फ्यूज़ जो है 15 एम्प्स का वो है हैजर्ड लाइट्स का, ये वाला। बाद में चौथा फ्यूज़ 15 एम्प्स का है वो है आपके फॉग लाइट्स का, ये वाला। बाद में फिफ्थ फ्यूज़ जो है वो है आपका टेल लाइट्स का। इधर आप देख सकते हैं इधर 10 एम्प्स का डाला हुआ है फ्यूज़, फिर भी चल रहा है। नेक्स्ट है 10 एम्प्स का फ्यूज़ जो है हेडलाइट राइट साइड का, ये वाला। और इस साइड में ये लास्ट फ्यूज़ जो है 10 एम्प्स का वो भी हेडलाइट का है लेकिन लेफ्ट साइड का, ये वाला। तो अब हम दूसरे साइड में चलते हैं और दूसरे साइड में ये पहला वाला फ्यूज़ जो है 15 एम्प्स का वो है आपके वाइपर्स का, ये वाला। बाद में नेक्स्ट फ्यूज़ जो है वो है 20 एम्प्स का आपके डिफोगर का। इधर आप देख सकते हैं मेरा 15 एम्प्स का डाला हुआ है फिर भी चल रहा है। बाद में अगला आता है आपका ये 10 एम्प्स का फ्यूज़ जो है आपका बैकअप फ्यूज़, जिससे आपके अगर कार में क्लॉक है तो ये बैकअप फ्यूज़ उस क्लॉक को सप्लाई देता है। तो नेक्स्ट आता है ये 15 एम्प्स का फ्यूज़ जो है एक्सेसरी फ्यूज़, जो अगर आपके कार में अगर एक्सेसरी से या सिगरेट लाइटर कुछ है तो उसको सप्लाई देता है, ये वाला। बाद में लास्ट 15 एम्प्स का फ्यूज़ जो है वो है आपका ब्रेक लाइट का फ्यूज़, ये अगर फ्यूज़ जाएगा तो आपके ब्रेक लाइट्स काम नहीं करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।